बीफ और दाल अच्छी तरह गल चुकी है, अच्छी खुशबू आ रही है जी। बिस्मिल्लाह, चावल के ऊपर डाल के खाते हैं जी, तो मज़े उठाते हैं। ठीक है, ये देखिए रहीम। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। जहाँ भी रहें जी, आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ जी, हमेशा से हैप्पी रहें जी, अल्लाह पाक के इज़्ज़त ईमान में रहें जी। आप लोगों से एक छोटी सी मेरी नंगी मुनी सी रिक्वेस्ट है जी, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है जी, जो मेरी तरह बोले पाले सीधे साधे उनके लिए नहीं है, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं जी। अनसब्सक्राइब नहीं करना, जो एक दफ़ा कर लिया तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जस्ट वीडियो लाइक करनी होती है। देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमे की मुबारक हो जी, सबको जुमा मुबारक हो। आजकल मैं जुमे की मुबारकबाद इसलिए नहीं दे रही, आप लोग कहते होंगे, सोचते होंगे कि जुमे की मुबारकबाद बाजी देती नहीं, पहले देती थी, तो इसलिए कोई ना कोई मसला बन जाता है, वीडियो उसी दिन के लिए अपलोड हो नहीं पाती, नेट का कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो इसलिए फिर आगे पीछे ब्लॉग हमारे अपलोड होते हैं। आप लोग कहते होंगे क्या पागल है जी, अगर जुमे को मैंने वीडियो बनाई तो इतवार को अपलोड होगी, तो फिर आप कहेंगे ये तो पता नहीं क्या करते हैं जी, इसलिए नहीं करती। तो आज हम कोशिश, अगर आगे पीछे हमारा ब्लॉग हो भी, आप समझ जाना कि जुमे की मुबारकबाद दी है तो ये जुमे का बना हुआ है, तो ठीक है, आप लोग बर्दाश्त करना क्योंकि आगे पीछे ये ब्लॉग हो जाते, मसला मसाल बन जाता है। तो आज लोग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जी, छुट्टियाँ हो चुकी है, जैसे पता है जून है, जून की गर्मी बहुत बढ़ चुकी है जी शिद्दत की। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जी ये बीफ के चावल, ठीक है, और ये बीफ की ये कबाब। जी अब मैंने दाल वगैरह धो दी है, तो ये मैंने कीमा भी धो दिया जी, इसमें अब डाल देती हूँ, और तकरीबन ये 1 से 1.5 लीटर पानी इसमें डाल देती हूँ जी ऐसे। अब इसमें बाकी कुछ मसाले डाल के, ये अदरक लहसुन और ये इसको प्याज इसमें छील के डाल देती हूँ, फिर इसको गलने के लिए ऊपर चढ़ा देते हैं जी, ताकि हो जाए फटाफट से ये गल जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हीट लगा देंगे, इसमें प्याज वगैरह अदरक लहसुन सारा कुछ डाल देंगे, ग्रीन मिर्च जब इसको कूटना है ना तब डालनी। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, जब बंदा काम करता है तो पसीना पसीन ही हो जाता है, और मैं इसे आग पे पकाने वाली हूँ, तो पता नहीं आज मेरा हाल क्या होने वाला है जी। इन्होंने कहा है बच्चों ने, मम्मा आ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, छुट्टी होती है तो बच्चों की फरमाइशी होती है। अब इसमें बेल मिर्च में डालूँगी, इसका टेस्ट ही बहुत मज़ेदार होता है जी, जैसे आप धड़ा मिर्च भी कहते हैं, जब ये बीच में गल जाएगी तो इसको ये धड़ा मिर्च ही बन जाएगी, ठीक है। और बाकी सूखे मसाले भी डाल लेती हूँ, और ये भी डाल लेती हूँ साथ साथ, ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब बीफ और दाल अच्छी तरह गल चुकी है, ये देखिए अब इसको हम कुंडी डेडे पर डाल के भून लेते हैं, तो इसी बर्तन में हम इसको बीफ को धो के, तो बीफ ऊपर गलने के लिए रख देते हैं, और बीच में शामिल करेंगे ये बेल मिर्च और साबुत खड़े मसाले जो होते हैं वो वाले, और नमक, और 1 लीटर पानी डाल के इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। ये गलता होता है तब इसके वो ठंडा होगा, तो उसके बाद उसको पीस लेंगे। तो मैं पढ़ लेती हूँ नमाज, इसको ऊपर रख देती हूँ चूल्हे के ऊपर, तो ये हो जाएगा क्योंकि नमाज का भी टाइम होने वाला है। जब इसको तो ऊपर रख दो, फिर मैं नमाज पढ़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है, तो अब मेरा ये बीफ भी अच्छी तरह गल चुका है, ये देखें जी बहुत अच्छी तरह नरम हो गया। अब मैं चावल पकाने के लिए अपनी देसी ऊपर चढ़ा देती है, उसमें डालते हैं हम ऑयल, ये प्याज मैंने बना लिए, और अदरक लहसुन भी पूरा 1 हफ्ते का बना लिया, ये देखें इस डब्बे में है बाहर से अचार, ठीक है, और मैं आग दिला देती हूँ। मेरा ऑयल गर्म हो गया जी, इसमें साथ साथ प्याज भी ब्राउन मेरे होते जाएंगे, और अगला प्रोसीजर मैंने साथ साथ करना है बर्तन के ऊपर जिसपे मैंने छावनियाँ बना के रखी, ऑयल ग्रीस कर देना, और हाथों को भी अच्छी तरह ऑयल लगा लेना, और इसको भी साथ साथ ये भी काम करना है। ठंडा हो गया अच्छी तरह बना के, इसको भी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, चावल बनते तक ये रेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह बनानी है मेरे व्यूअर साहब को पता, फटाफट से साथ साथ काम चला, किसी तरह मसाले तैयार कर लें। अलहमदुल्ला हमने ये
शामियाँ हो गई प्यार आप लोगों के सामने, इसमें रख देती हूँ फ्रिज में और मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए हैं। अब अदरक लहसुन डाल देती हूँ तो मैं पेस्ट बना के रखा है। कैमरा मैन थोड़ा दूर है ना, क्योंकि हमारे सीटिंग ऐसे ये प्याज मैंने ब्राउन की और थोड़ा से निकाली, इसको मैं ऊपर डालूँगी जब दम देना, इसे फ्रिज में रख दूँ। अच्छी तरह भून के खुशबू आ रही है और बाहर निकल आया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बीफ और ये मैंने जो प्याज रखे हैं इसको जब मैं दम दूंगी उसमें डालूंगी और ग्रीन मिर्चें भी डालूंगी। ऐसे जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पानी में उबाल आ गया है, गर्म हो गया अच्छी तरह। अब इसमें मैं चावल ऐड कर देती हूँ। भी पानी में उबाल आ गया तो मेरा उबाल हो गया, बहुत गर्मी है, खाना तो बनाना भी है, खाना भी है, दिल भी नहीं करता है बंदा इतनी गर्मी में खाना बनाए, दिल करता है कि कहीं से आ जाए। अच्छा मैं नाम कर लीजा, अब मेरा दम का टाइम आ गया होगी, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर देती ये जो मैंने प्याज ब्राउन किए और रखे थे जी, ऐसे इसके अंदर भी इसका ज़रा टेस्ट ज़्यादा आ जाता है। नीचे बीच में काट लगा के चार पान डाली और चार पान ऐसे ही ऊपर से ये भी डाल दूँगी, इसका कलर इससे अच्छा आता है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे चावल बिल्कुल डीप लाओ तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। बिस्मिल्लाह खाएँ और फटाफट से खाएँ, गरम गरम खाएँ, ठीक है। मैं प्लेट में डाल लेती हूँ और साथ साथ शामियाँ तैयार कर लेती हूँ जी, इसे साथ साथ शामियाँ फ्राई कर लेती हूँ जी। इसे हम तवे पे करने वाले हैं जी, मैंने डाल दिया उसमें गरम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, अब मेरा घी गरम हो चुका है जी। हम इसमें अंडा लगा के डिक्कियाँ लगा के ऐसे बार बार चार पाँच दफ़ा अंडा अच्छा लगना चाहिए ताकि ये सॉफ्ट बने। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये शामियाँ देखिए जी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ऐसे मैंने इसे तवे पर बनाया, डीप फ्राई किया क्योंकि सारा कुछ पहले गला गलाया। अब हम चावल के ऊपर डाल के खाते हैं जी, तो मज़े उठाते हैं, ठीक है। ये देखिए खुशबू आ रही है बहुत मज़े की दूर दूर तक। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने खाना शाना बना के सबको दे दिया जी, सब ने खा लिया। पकाते पकाते यकीन करें 4:30-5 बज गए, फिर मैंने असर की नमाज पढ़ी। जैसे सारा दिन इतनी गर्मी थी, खाना पकाने से बंदा उबल गया, खुद भी पक गया था। अब थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ, पानी ऊपर डाला तो मैंने कहा अब फ्रेश मूड में फ्रेश फेस के साथ अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त जी। पता नहीं आप लोगों को मेरा फेस फ्रेश लगता है कि नहीं, मगर फेस फ्रेश लगाती नहीं, ठीक है ना, पकाती हूँ सारा कुछ, इसलिए मेरा खुद ही फेस पक गया जी, ठीक है। अब आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।